तो फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट और टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन सारी जानकारी प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये हमारा नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर NIPER, ठीक है, यहाँ पे आपको दिन 4/4/2021 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की है, हाजीपुर जनरल इंस्टीट्यूट नेशनल इंपोर्टेंट एस्टेब्लिश बाई, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल आपका सुटेबल इंडियन नेशनल और टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंटेड डेप्यूटेशन बेसिस पे थ्रू ओपन कंपटीशन ऑल इंडिया बेसिस पे, यानी ऑल इंडिया बेसिस पे आपकी वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बायोटेक्नोलॉजी में लेवल 12 की आपकी सैलरी रहेगी, यहाँ पे आपकी वैकेंसी है 1/40 दे रखी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे आपकी वैकेंसी है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की यहाँ आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्ट कोड यहाँ पे आपको 3/03 एसोसिएट प्रोफेसर में फार्माकोलॉजी में एंड टॉक्सिकोलॉजी में, पे लेवल आपका 13 का रहेगा, 1 वैकेंसी है, ठीक है। 45 एज दे रखी है, यहाँ पे 43 दे रखी है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे 12 आपका रहेगा, 45 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएट असिस्टेंट आ गया, सेम इसी तरीके से एसोसिएट में आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे फार्मा आपका फार्मा में एनालिसिस में रहेगा 13/48, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सी में रहेगा सेम कैटेगरी में 12/40, और एसोसिएट प्रोफेसर में और असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माक्यूटिक में आपके देख सकते हैं 13/12 है, 1 वैकेंसी है, 45 और 40 एज दे रखी है। यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट है, देख सकते हैं रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में स्टोर कीपर और असिस्टेंट ग्रेड 2 और जूनियर आपका टेक्निकल असिस्टेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन और आपका एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में अवेलेबल 13/10 आप इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। वैकेंसी 1 है, इसमें आपका साइंटिस्ट टेक्निकल में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में 8/8 पे लेवल है और 2 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पे लेवल आपका 4 है और 2 वैकेंसी है, एज यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में दे रखा है, एज मैं पहले बता चुका हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेप्यूटेशन पे यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी इनकी, आपके एसेंशियल डिजायरेबल ऑफ डेप्यूटेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से पूरी यहाँ पे आपको जानकारी ये देख सकते हैं आप देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको शॉर्ट में इनकी जानकारी मैं बता दूंगा अलग से, ठीक। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका है तबड़ा, तो आप इसको देख सकते हैं जिस आप पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट ओनली इंडियन नेशनल कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इनकम्प्लीट ऑनलाइन या हार्ड कॉपी आपने सेंड करते हैं, ठीक है, दोस विदाउट रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको सेल्फ आपको अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपका, जिसमें डेट ऑफ बर्थ डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आदि, उसको अगर नहीं भेजते हैं तो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। जो देखते हैं एप्लीकेंट सर्विस आप देखते हैं जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनका हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन की, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अलॉन्ग विद आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल आपको सेंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको 15 डे और आपका क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड हार्ड कॉपी और एप्लीकेशन के आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो ओवरसीज कैंडिडेट है उनके लिए स्काइप के द्वारा आपका किया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू। यहाँ पे मैक्सिमम आपकी एज लिमिट का आपका आपके एलिजिबिलिटी रहेगी, तो आप देख सकते हैं टीचिंग नॉन टीचिंग लास्ट डेट आपकी सबमिट की 5/5/2021 के अनुसार रहेगी जो कि वेडनेसडे है, ठीक है। एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग पोस्ट विल बी कंसिडर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटिशन ऑफ मास्टर डिग्री, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस ग्रेंड आपका परसुइंग PhD, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल, यहाँ पे आपको जैसे एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये है फॉर बोथ टीचिंग एंड ग्रुप,
ए के लिए, ठीक है। फ्रॉम पे लेवल 10 से ऊपर के लिए 500 रुपए फीस है, यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो पे आपको पे करना हो एनईएफटी आईएमपीसी बैंक ट्रांसफर के द्वारा, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ये दे रखा है अकाउंट, ठीक है। इसके माध्यम इसको यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर द पोस्ट T01 to T8 तक और NT1 मोड आपका रिक्रूटमेंट आइदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन बेस पर रहेगा। NT2 से लेकर और आपका NT8 तक आपका रिक्रूटमेंट ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपका फॉर द टीचिंग पोस्ट कंसिस्ट 2 पार्ट में हो, सेमिनार प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू, ठीक है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को आपको इन्वाइट किया जाएगा सेमिनार प्रेजेंट पर बिफोर ड्यूली कंसिडर कमेटी, ठीक है। ओनली कैंडिडेट रिक्रूटमेंट बाई आप द कमेटी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द सेमिनार प्रेजेंटेशन शैल बी अटेंडेड और इंटरव्यू बिफोर, ठीक है। सिलेक्शन पैनल कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट पर, यहाँ पे रेगुलरली आपको अलग से कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, ठीक है। ईमेल आप यहाँ पे ईमेल कम्युनिकेशन विल बी सेंड, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा, ठीक। फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन बेस्ड आपका रहेगा परफॉर्मेंस इंटरव्यू और ड्यूली कंसिडर कमेटी फॉर NT0 और NT4 तक, ठीक है। NT5 से 8 के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि NT5 से लेकर जो कि यानी नॉन टीचिंग पोस्ट है NT5 से 8 तक आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा उनके लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे एज रिलेक्शन देखने को मिल जाएगी, 3 साल OBC, 5 साल आपका SC/ST डिपार्टमेंट कैंडिडेट रिलेक्शन लेगा 5 साल, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखते हैं एप्लीकेशन हार्ड कॉपी सक्सेसफुली सबमिट ओनली फॉर्म विल आल्सो एक्सेप्टेड आपके 11 से 4 बजे ऑल वर्किंग डे, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे रही है, आपको देखिए कंप्लीट हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच इंस्टीट्यूट 5:25 तक रजिस्टर या स्पीड पोस्ट कोरियर एनवेलप में आपको कंटेनिंग कंप्लीट आपका एप्लीकेशन भी, और सुपर स्क्रिप्ट में आपको नेम पोस्ट अप्लाई बताना है और पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना है और सेंड कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ पे आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर कॉल फॉर रिटन टेस्ट डायरेक्टर या स्क्रीनिंग कमेटी सर्विस, तो राइट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड पेपर पब्लिश, ठीक है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव PhD विद फर्स्ट क्लास आपका उसके इक्विवेलेंट ग्रेड इन रिलेवेंट फील्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट यहाँ पे 40 से मैक्सिमम 45 दे रखी है। एसोसिएट की यहाँ पे PhD आपके दे रखी है, जो कि टीचिंग पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। PhD इन फार्मेटिकल साइंस इन फर्स्ट क्लास या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड, एज लिमिट 45 से 48 दे रखी है। नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें यहाँ पे आपको दे सकते हैं रजिस्ट्रार की है, मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन जिसमें आपको 55% मार्क या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एज लिमिट यहाँ पे 45 दे रखी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यहाँ पे मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, एज लिमिट जो रखी है आपकी 40। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी एज लिमिट दे रखी है 35। साइंटिस्ट टेक्निकल ऑफ सुपरवाइजर ग्रेड 2 की MSc M.Pharma MBSc रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 35 दे रही है। टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी कंप्यूटर में बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एज लिमिट आपकी 35 दे रही है। स्टोर कीपर की बैचलर डिग्री इन साइंस कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 35 दे रही है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की यहाँ पे आपको देख सकते हैं बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी एज 35 दे रही है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी सीनियर सेकेंडरी में 10+2 विद साइंस में आपके एज जो दे रही है 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया फ्रेंड। ये देखिए इसका आवेदन का लिंक है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टीचिंग या नॉन टीचिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आप जो नए कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हेयर पे आपको क्लिक करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, यहाँ पे आपको रीटाइप यहाँ पे पासवर्ड, आई एम नॉट रोबोट, इस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है, तो किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में उसका पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड धन्यवाद।